ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिक्स्थ चैप्टर एंड टेंथ वर्स। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। भगवान कृष्ण कह रहे हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। गुड वर्स। लेट्स सी। ओके, श्री प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं, पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा, दैट्स वन थिंग। ओम अज्ञानाति मिलन्दस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। सो प्रभु श्री प्रभु सॉरी, क्या इन बच्चों क्या हो गया? क्या हो गया? ऊपर चले गए। सो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस अध्याय में कृष्ण भगवान ने सबसे पहले बताया कि जो जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लक्षण क्या हैं, हमने डिस्कस किया। अब इन कुछ श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मन को वश में करने के लिए योगी करता क्या है, कुछ टिप्स दे रहे हैं, दैट्स ऑल। सो ये श्लोक योगियों के लिए भी है और डिवोटीज भी इससे फायदा उठा सकते हैं। डिवोटीज तो इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं? सो ऑफ कोर्स हम योगी तो है नहीं कि हम लोग हिमालय जाकर बैठ जाएं गुफाओं में, ऐसा तो नहीं है, मगर आप उनसे सीख सकते हैं कुछ, हर एक चीज से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कहावत भी है कि एक कहावत है कि कि कोयले के खान में हीरा मिलता है, नहीं? सो कोयले की खान से भी कुछ प्राप्त हो सकता है अगर आप, अगर आपको पता है वहां पे क्या मिलता है, यू सी। या हितोपदेश में कहावत है कि हर हर वनस्पति एक दवाई है और हर पत्थर एक जेम है, जेम एक हीरा है। बट ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इसका ज्ञान हो। सो कहने का मतलब है कि डिवोटीज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे शीला प्रभुपाद थे। शीला प्रभुपाद तो भोगियों से भी सीख लेते थे। वो फेमस इंसिडेंस है कि शीला प्रभुपाद अपने डिवोटीज के साथ न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क में वो एक प्रभुपाद खड़े थे अपने डिवोटी के साथ रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ एक लड़की खड़ी थी और उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी। वो तो चलो ठीक है, अमेरिका में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम ठंड थी, वॉज स्नोइंग, स्नोफॉल। तो प्रभुपाद ने देखा कि देखो ये कितनी डिटरमाइंड है अपना शरीर दिखाने के लिए, इतनी ठंड में भी ऐसे आधे पौने कपड़े पहन के आई है। प्रभुपाद ने कहा इसी तरह हमें भक्ति करने में बहुत दृढ़ होना चाहिए, नहीं? सो प्रभुपाद ने उससे भी सीख लिया। सो जिसको सीखना है वो हर जगह से सीखता है, जिसको नहीं सीखना वो भगवान के पास बैठ के भी कुछ नहीं सीख पाएगा। सो उसी प्रकार भगवान इस अध्याय में योगियों के बारे में बता रहे हैं, बट योगियों से हम डिवोटी भी सीख सकते हैं।
सो हम क्या सीख सकते हैं डिवोटीज? भगवान कह रहे हैं योगी युंजीत सततम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा डिवोटी योगी युंजीता, मतलब युंजीता का मतलब होता है कि जुड़े रहना, कि मेरा डिवोटी हमेशा जुड़ा मतलब जो जो योगी शब्द और युंजीता शब्द एक ही शब्द से आ रहे हैं, युज धातु। युज धातु का मतलब होता है जुड़ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सततम, सदैव योगी मुझसे जुड़ा रहता है, उसका मन मेरे ऊपर केंद्रित रहता है। श्रील प्रभुपाल लिख रहे हैं कृष्ण चेतना में केंद्रित रहता है उसका मन। तो योगियों से हम ये सीख सकते हैं। भगवान हमें एडवाइस कर रहे हैं अगर अपना माइंड कंट्रोल करना है, सबसे पहली चीज है अलर्ट रहो, बी अलर्ट। इनफैक्ट दसवां नाम अपराध ही है ये, टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग, दैट्स ऑल। अलर्ट रहना बहुत बड़ी बात है, तो सिर्फ चैंटिंग में नहीं, अपनी सारी एक्टिविटीज में। कि हम लोग एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में लिखा है, कौन कह रहा है, या सनत कुमार कह रहे हैं पृथु महाराज से, कि पृथु जिसकी सारी क्रियाएं केवल मेरे लिए होती है, उसको जीते हुए मुक्ति समझो। सो एक डिवोटी अलर्ट रहता है, एक योगी अलर्ट है। क्यों? वो हर क्रिया कर रहा है मगर उसके माइंड में एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि ये काम भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है या मेरे लिए, वो क्वेश्चन करता है। बड़े बड़े एक्टिविटीज में और छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है अपने आप से। एक ऑर्डनरी आदमी ऐसे नहीं करता ना, एक ऑर्डनरी डिवोटी करता है नहीं? इसको थोड़ा लाउड करोगे? कैसे? ये लाउड नहीं है, इट्स नॉट लाउड इनफ। सो एक अब ठीक है, अब ठीक है। एक ऑर्डनरी आदमी जो है या ऑर्डनरी डिवोटी क्वेश्चन नहीं करता अपने आप से, मतलब ऑफ कोर्स एक ऑर्डनरी डिवोटी, एक ऑर्डनरी आदमी तो क्वेश्चन करता ही नहीं, उसको तो अपनी लाइफ में भी क्वेश्चन नहीं उठाता कि मेरी लाइफ में मेरा लाइफ का गोल क्या है, फॉर एग्जाम्पल। मतलब उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। उसको एक ऑर्डनरी आदमी के लिए तो लाइफ चल रही है, पैसे आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जब तक जेब भरी हुई है और जब तक जेब में पैसे हैं, जीवन में ऐशो आराम है, तब तक सब कुछ ठीक है। वो ये कभी क्वेश्चन नहीं करेगा कि मेरी लाइफ का एम क्या है। इनफैक्ट उनको ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आता। सो पर एक डिवोटी ये क्वेश्चन करता है। ऐसे हम लोग भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं, हमारी लाइफ का एम क्या, तभी तो हम कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं। चलो अभी हमारी लाइफ का एम पैसा था, ये था, हमें समझ आ गया गलत है, लाइफ का एम क्या होना चाहिए, कृष्णा। बट जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो अलर्ट हो जाएगा डिवोटी। एक डिवोटी छोटी छोटे एक्टिविटीज को भी क्वेश्चन करने लगेगा। ठीक है, एक डिवोटी फॉर एग्जाम्पल वो बैठा होगा और वो क्वेश्चन करेगा, वेल क्या मेरे बैठने से भगवान को संतुष्टि मिल रही है या नहीं, एक क्वेश्चन। या फॉर एग्जाम्पल मेरे ऐसे बात करने से भगवान को संतुष्टि मिल रही है या नहीं। इट्स मतलब वो बहुत एक सटल लेवल पे चला जाता है। एक जब मैं मणिपाल में था एज अ स्टूडेंट, तो वहां पर हमारे बेस में, मैं बेस में रहता था, तो बेस में एक प्रभुपाद डिसाइपल थे आत्मदत्त प्रभु, तो वो हमारे साथ रहते थे। तो वो ही वॉज क्वाइट, वो तो बहुत छोटी छोटी बातें नोट करते थे वो। मतलब हम तो स्टूडेंट्स थे तो हम तो ठीक है, चलो वी डिडंट ज्यादा ध्यान नहीं देते, और बहुत छोटी छोटी बातें नोटिस करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझसे, मैंने बताया था वो, एक बार उन्होंने मुझसे पानी का ग्लास मांगा तो मैंने दिया और वो थोड़ा सा गंदा था, एंड उन्होंने मुझे एक घंटा लेक्चर पिलाया उसके लिए। मतलब ये ही जस्ट सॉ, और उन्होंने कहा ये गंदा क्यों है, अब मैं क्या आंसर दूं गंदा क्यों है, मतलब गंदा है तो गंदा है। बट उन्होंने एक घंटा डांटा मुझे। उन्होंने कहा जब तुम्हें ग्लास ही नहीं दिखाई दे रहा गंदा,
तो अपना हृदय में गंदगी कैसे दिखाई देगी। एंड दैट वॉज अ वैलिड पॉइंट। उस टाइम तो मुझे सर पैर समझ नहीं आया क्यों डांट रहे, बट ही वॉज जस्ट स्कोल्डिंग। शिला प्रभुपाद भी ऐसी थे। शिला प्रभुपाद भी छोटी छोटी डिटेल्स को देखते थे। इनफैक्ट इसलिए कहा जाता है कि इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ ग्रेट अ पर्सन ही इज सी द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ। अगर आप देखना आते हो कितना महान डिवोटी है, उसके छोटी छोटी चीजें देखो तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनी वे यू गॉट द पॉइंट, समझ गए नहीं समझ गए? सो एक डिवोटी अलर्ट रहने का मतलब यह है कि वो हर एक्टिविटी को क्वेश्चन करेगा, क्या मेरे करने से भगवान को संतुष्टि मिल रही है या नहीं, क्या ये मेरे करने से, क्या ये मेरी एक्टिविटी करने से दूसरा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा या भक्ति में पीछे चला जाएगा। उसको वो सोच के जीवन जी रहा है ना, ऐसा तो नहीं बेहोशी में। फॉर एग्जांपल, अरे तो एक्चुअली मैं तो हम लोग एक बार बंगाल गए थे, मतलब हम लोग हर साल बंगाल जाते हैं गौड़मंडल। तो गौड़मंडल में, गौड़मंडल समझते ना आप लोग चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेसेस। तो मैं था और हम दो तीन जने थे, और मतलब मैं था, भक्ति संत प्रभु थे और रवि प्रकाश प्रभु और ये लोग थे हम सब, और सनातन कृष्ण प्रभु हम लोग थे। तो हम लोग गांव में गए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बर्थ प्लेस पे गए, झमटपुर। वहां पे उनके हमने टेंपल के दर्शन किए, हमने जूते वूते उतारे हुए थे, टेंपल के दर्शन किए। तो फिर हमें जाना था, तो हम अपने जूते वो सब अपने जूते हाथ में पकड़ के फिर जाने लगे। तो सारे डिवोटीज तो जूते हाथ में पकड़ के मंदिर के सामने से निकल गए, मगर मैं नहीं गया। मैं जूते हाथ में पकड़ के फिर पूरा घूम के लंबा रास्ता लेके गया। तो सनातन के शुरू ने कहा, अरे आप, मतलब उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा क्या? कहते कि आप छोटी छोटी बातों में सोचते हो। ही नोटेड, क्योंकि वो जूते किसके, भगवान के सामने से ले गए वो। ऑफकोर्स पहने नहीं थे उन्होंने, बट सामने से ले गए। बट वी थोड़ा बहुत मेरे में थोड़ा होश था, मैं घूम के पीछे से ले गया। नो दैट्स मेक अ डिफरेंस। आप कहोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट देखने में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर एक्चुअली बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि एक व्यक्ति, क्योंकि हमें होश है कि हम कि भगवान देख रहे हैं वहां, उनके सामने जूते कैसे लेके जाए, देयर इज अ डिफरेंस देयर, है नहीं? इसलिए शिला प्रभुपाद बहुत ही स्केप्टिक थे। मतलब जो आत्मदत्त प्रभु थे जिन्होंने मुझे डांटा था, उनको भी प्रभुपाद ने बहुत डांटा था, इसलिए वो हरेक को डांटते थे। मतलब उनको तो शिला प्रभुपाद डिटेल्स बहुत देखते थे। शिला प्रभुपाद आत्मदत्त प्रभु को इसलिए डांटा था क्योंकि आत्मदत्त प्रभु ने ऐसे कारपेट बिछाया हुआ था, और प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद दर्शन करने आए मंदिर में, और वो कारपेट ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे रह गया, मतलब पूरा से लगना चाहिए, थोड़ा जगह रह गया ऐसे। तो प्रभुपाद अपनी, प्रभुपाद की छड़ी होती थी, प्रभुपाद आया, प्रभुपाद छड़ी को घसीटते हुए ऐसे स्पेस में लेगा, और जहां ऐसे कारपेट बंद था वहां तक, वहां जाके रुक गए। प्रभुपाद ने कारपेट किसने बिछाया है, जस्ट इतनी सी स्पेस थी, बस इतनी सी। और सब डर गए, तो उन्होंने कहा आत्मदत्त प्रभु आए, और आत्मदत्त प्रभु को सबके सामने एक घंटा उन्होंने डांटा कि तुमने ये कारपेट ऐसे लगाया क्यों, ऐसे प्रॉपर क्यों नहीं लगाया। अब कभी कभी हो जाता है नहीं, मतलब वो तो गलती हो ही जाती है, बट प्रभुपाद ने एक घंटा डांटा, उनको डांटते रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। प्रभुपाद ऐसे थे। प्रभुपाद ऐसे क्यों थे? क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि अगर परफेक्ट व्यक्ति की सेवा करनी है तो हमें भी परफेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड अलर्ट, इसको कहते हैं अलर्ट होना। सो योगी युंजीता सततम, दैट्स अ होल पॉइंट देयर। अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो अलर्ट रहो जितना हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना हो सकते हो। भक्ति संदा सोसी ठाकुर तो चेयर पे बैठने से पहले भी सोचते थे कि मैं इस चेयर पे बैठूं या ना बैठूं, कृष्णा खुश होंगे इस चेयर पे बैठने से या नहीं होंगे। अब यहां तक तो हमारी सोच जाती है, कभी सोचा है आप लोगों ने कि चेयर पे
इस चेयर पे बैठने से भगवान खुश होंगे नहीं होंगे, हम ऐसा नहीं सोचते। हम पता नहीं क्या सोचते हैं, आप लोग को सोचते भी हो या नहीं, या नहीं सोचते कुछ भी, या बस राउंड्स खत्म करने हैं, एंड दैट्स इट। बट दैट्स नॉट इट, वो तो नर्सरी क्लास है। बट ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट। भक्तिदास सरस्वती ठाकुर इसलिए उस पर सोते थे, जो बेंच नहीं होता स्कूल का, बेंच नहीं होता, वो फट्टा नहीं होता, फट्टा वाला, उस पर सोते थे वो। तो उनसे पूछा, आप इस पर क्यों सो रहे हो? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं, वो सन्यासी थे ना, सन्यास आश्रम में, उन्होंने कहा कि अगर मैं बेड पे सोऊंगा तो मेरा सन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बेंच पे क्यों सो रहे हो, आप थोड़ा एक चौड़ा फट्टे का खाट बना देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं चौड़े उस पर सोऊंगा तो एक्स्ट्रा सो जाऊंगा, इसलिए मैं इतने पे सोऊंगा कि करवट बिना ले पाऊं और फिर नींद जल्दी खुल जाएगी और भगवान का भजन करूंगा। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अब ये तो एक्सट्रीम हो गया, नहीं मतलब शायद आप लोग अगले जन्म में भी ऐसा ना सोच पाओ। व्हाट यू वाज थिंकिंग? सो बट हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर, ही यूज टू थिंक अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। भक्तिनाथ ठाकुर सोचते थे, हर एक सेकंड का हिसाब था उनके पास, हर एक सेकंड। भक्तिनाथ ठाकुर ये भी सोचते थे कितनी रोटी खानी है, कितनी नहीं खानी, किस टाइम पे खानी है, किस टाइम पे मुझे उठना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे जाना है, वेरी वेरी स्पेसिफिक। बल्कि भक्तिनाथ ठाकुर इतने डिसिप्लिन थे कि लोग अपनी घड़ी मिलाने आते थे। मतलब भक्तिनाथ ठाकुर अगर बाथरूम जा रहे हैं तो उस टाइम 8:23 होंगे, 8:22 भी नहीं होंगे। और अपने जब अपने ऑफिस आते थे, गेट से बाहर निकलते थे, तो उस टाइम फॉर एग्जांपल 8:30 होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या 8:32 होंगे। तो लोग जब उनकी वॉच, पहले जमाने में वो घुमाने वाली होती थी, पता है, चाबी वाली, तो वो तो खत्म हो जाती थी। तो लोग आगे खड़े होते थे और देखते थे, अगर भक्तिनाथ ठाकुर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो 8:23 है, अगर बाहर आ रहे हैं तो 8:32 है, और मिला के वो चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, अलर्टनेस। इसलिए शिला प्रभुपाद कह रहे थे, कृष्ण कॉन्शियस में बढ़ना है आगे तो बी अलर्ट। ओके, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थित। और योगी क्या करता है? योगी एकांत स्थान में रहता है, रहसी स्थित, एकांत स्थान में। सो अगर कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ना है तो हमें कहां रहना चाहिए? भद्रिक आश्रम में। एकांत स्थान ही है, अभी वहीं से आ रहे हैं हम। दैट्स अ गुड कंड्यूसिव है नहीं, मतलब ऐसी जगह रहो जहां पर भगवान में मन लगाना आसान है। अब चलो जरूरी नहीं है, चलो भद्रिक आश्रम तो चलो बेस्ट है ही, मगर अपने घर में भी हो। एकांत स्थान का वैसे अल्टीमेटली मतलब होता है कि वहां जहां पे केवल डिवोटीज हैं, उसको भी एकांत ही कहते हैं। आप एकांत में ही हो और शांति हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप मान लीजिए, अगर आपका घर है रेलवे स्टेशन पे, तो क्या अच्छा है भजन के लिए? मतलब कंप्लीट नॉनसेंस है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, बट कंप्लीट नॉनसेंस है। सो थोड़ा सा एनवायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए। मंदिर का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, इसको एकांत स्थान ही कहेंगे, क्योंकि एकांत स्थान वो है जहां पे हरे कृष्ण। सो एकांत स्थान वहां है जहां पर, क्योंकि डिवोटीज जहां होते हैं वहां पे एकांत ही होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पे सबका एक ही अंत है। अंत मतलब गोल, लक्ष्य, एकांत हो गया। एक जब सबका एक अंत है, एक ही गोल है, उसको क्या बोलते हैं, एकांत स्थान। वो एकांत स्थान हो गया। कृष्ण कह रहे एकांत स्थान पर रहो, मतलब मेरे डिवोटीज के साथ रहो हमेशा। हमेशा नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन अवॉइड करो,
इनफैक्ट सारे डिवोटीज भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान अगर आपको मुझे कृपा देनी है तो मुझे नॉन डिवोटीज से बचा के रखिए। इनफैक्ट भगवान खुद जिन पे कृपा करते हैं अपने भक्तों को बचा के रखते हैं गलत एसोसिएशन से, बचा के। इनफैक्ट ये जो थी ना, क्या कहते हैं, चलो वो छोड़ो, श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज जब विष्णु आए तो विष्णु भगवान ने पृथु महाराज को ये बोला कि पृथु मैं अपने भक्तों को जिन पे कृपा करता हूं उनको स्वयं मैं पर्सनली उनको गलत एसोसिएशन से बचा के रखता हूं। भगवान विष्णु खुद कह रहे सो अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो आप गलत एसोसिएशन में पड़ जाओगे, आप अपने को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि संसार में तो बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं, भगवान प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये जो थी ना, क्या कहते हैं, मतलब बाइबल में तो ऐसा नहीं, कुरान में है, कुरान में आता है कि ये जो क्राइस्ट की जो मदर थी, कौन थी, मैरी इज अ बाइबल नेम, कुरान में मरियम, कुरान में भी आता है क्राइस्ट उनके प्रॉफिट है। तो उसमें है कि वो जब पैदा हुई थी तो क्या हुआ था, तो पैदा हुई तो उनके पेरेंट्स मर गए, दोनों मम्मी पापा मर गए, तो कहाँ रहेगी वो बच्ची। तो जितने भी जो तो वहां पर जो आपको जेरूसलम पता है ना, जेरूसलम पता है, नहीं पता है? हाँ, तो जो वहां का जो समझ लो क्या कहते हैं मक्का या व्हाट एवर इट इज कुरान, मतलब जो जो भगवान का हाउस है, तो वहां के सारे पंडित लोग आ गए, पंडित ही कह लो सपोज, पंडित कह सकते हैं उनको, तो वो लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कहाँ रखें अब बच्ची को, ना फादर है ना मदर है ना रिलेटिव्स, कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम में से कोई एक ध्यान रख लेगा इसका, कौन करेगा। तो सब ने कहा कि चलो मैं कर लूंगा, मतलब वहां पे लड़ाई हो गई। तो उन्होंने कहा वोट करेंगे, ठीक कैसे करेंगे। तो उन्होंने कुछ पेन लिए, पेन, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप सब अपने अपने पेन के ऊपर कागज लपेट दो और उस पर नाम लिख दो और उसको डाल देंगे, फिर पेन निकालेंगे और जिसका नाम होगा वो ध्यान कर लेगा, सिंपल। वो वोटिंग हो गई तो सबने कर दिया, और जब निकाला तो किसका नाम आया, नाम आया जकारिया। दैट्स वाज, मैं बता रहा था जकारिया, याद है नहीं, याद है जो कल बता रहा था मैं, जो मर गए थे सेंट जॉन और जकारिया। तो जकारिया कौन थे, ही वाज अ सेलिबेट, सन्यासी थे बचपन से ही, सन्यासी थे, अनमैरिड थे, और वहां मंदिर में ही रहते थे, वो जेरूसलम में। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे करेगा, ये तो मतलब ये तो ना शादी हुई कभी, सन्यासी है और ये लड़की है और ये 24 घंटे तो मंदिर में ही रहते हैं, तो बच्ची का ध्यान क्या करेगा, समझे नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई होना चाहिए हम में से जिनकी जो मैरिड है, जिनकी वाइफ है, जो मंदिर के बाहर रहते हैं, मतलब वो तो समझ लो कि फुल टाइम डिवोटी होगा ना, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई लड़की मिले तो हम में से कौन ध्यान रखेगा, अगर वोट डाले मेरा ही नाम आ रहा है तो क्या मैं ध्यान रखूंगा, लड़की का कैसे ध्यान रखेंगे बच्ची का, हम तो फुल टाइम है मंदिर में, तो बेटर है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई उसका ध्यान कौन रखे, उसका लड़के का ध्यान प्रॉब्लम चिंते रख ले जरूर रख ले, या क्योंकि आप में से कोई मैरिड आदमी कोई रख लेगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वही प्रॉब्लम हो गई, उनका नाम आ गया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं दोबारा वोट करना पड़ेगा, तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर दोबारा वोट किया, तो उन्होंने कहा ये तो अब हम ऐसा करते हैं, वो जो पेन थे सारे जिस पे नाम लिखा था, उन्होंने कहा इसको पानी में डाल दो। तो वहां पे एक वो भैरी थी, नदी सी, उन्होंने कहा उसमें डाल देते हैं। और जो पेन, मतलब अजीब सी बात थी, उन्होंने कहा कि जो पेन इस नदी के साथ बह जाएगा वो तो बह गया, जो नहीं बहेगा उसके उसके पास रहेगी लड़की, बल्कि जो कि उल्टा बहने लगेगा, जो उल्टा है बहने लगेगा पानी के उल्टे दिशा में, उसके पास रहेगी लड़की। अब ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो सारे पेन डाले,
एक पेन उल्टा बहने लगा। कौन सा? जकारिया का उल्टा। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या? उन्होंने कहा नहीं, एक दोबारा वोट करें। दे कौन बिलीव मेरे कल। तो उन्होंने कहा इस बार हम ऐसा करेंगे, जो पेन पानी के साथ बहने लगेगा उसके पास रहेगी लड़की, क्योंकि उसका उल्टा बह रहा था ना। उन्होंने कहा जो पानी का रहेगा उसके बाद रहेगी लड़की, तो उसका पानी का बहने लगा, बाकी सारे पेन उल्टे बहने लगे। नाउ सो अल्टीमेटली वो लड़की किसके पास गई? मरियम जकारिया के पास। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको रखेगा कहाँ? मतलब अगर लड़की मेरे पास आ जाएगी तो मैं कहाँ रखूंगा भाई, मतलब छोटी लड़की कहाँ रखे। तो वो तो मंदिर में फुल टाइम डिवोटी थे, बचपन से सन्यासी हैं। तो वो एक्चुअली मैरिड, या एक्चुअली ही वॉज सन्यासी थे, मगर उससे पहले मैरिड भी थे, समझे? मतलब ऐसे मैरिज के बाद वानप्रस्थ सन्यास ले लेते हैं ना, उस टाइप से थे। मतलब मंदिर में ही रहते थे, उनकी वाइफ फिर वहां रहती थी। तो उन्होंने तो क्या करें, तो उस लड़की को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा है कि हम मंदिर में ही रखेंगे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर जेरूसलम में कोई फीमेल अंदर रह नहीं सकती, आ तो सकती है मगर स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि सारे ब्रह्मचारी है ना वहां। तो अब ब्रह्मचारी लड़की कैसे रहेगी, फिर बड़ी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां। तो उन्होंने कहा कैसे करें, तो उन्होंने एक बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल कोने में एक रूम था जहां पे सारी क्लीनिंग के सामान रखते थे, स्टोर रूम नहीं होता जैसे, उन्होंने कहा वहां पे रह लेगी, वहां पे एक छोटा सा कमरा बना देते हैं उसके लिए जगह, वहां पे रहती रहेगी। तो वो पूरी लाइफ उस कमरे में रही, ऊपर से दर्शन करती थी वहीं रहती थी, कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, वहीं रहती थी अपना, और वहीं अपना भजन, मतलब बचपन से ही, मतलब जकारिया खुद ही इतने बड़े डिवोटी थे, ही वॉज अ प्रॉफिट बाय द वे। प्रॉफिट समझते हो? प्रॉफिट कैसे कहेंगे, भगवान के पैगंबर थे। तो उन्होंने बचपन से उसको ट्रेन किया भगवान की भक्ति करने के लिए, और वहीं पे रहती थी। और फिर बड़े होके वो कौन बनी? क्राइस्ट की मदर बनी। पॉइंट ये, फिर उसके बाद भगवान ने बोला मरियम को कि हमने अपने हाथों से तुम्हें गलत संग से बचा के रखा, और हमने तुम्हें अभी तक शुद्ध रखा कि जिससे तुम क्राइस्ट की मदर बन पाओ। और दैट वॉज इंटरेस्टिंग। उसका उस पर जो स्कॉलर्स कमेंट कर रहे हैं कि वेल, हमें यहां तक पहुंचाने वाले कौन है? भगवान ही है। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है कि जब भगवान हमें गलत संग से बचाते हैं और अच्छा संग देते हैं। अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपको गलत संग मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है, कम हो गई, दैट्स ऑल, इट्स रिड्यूस्ड। अगर आपको अच्छा संग मिल रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा जरूर हो रही है, 100% भगवान का कुछ प्लान है, भगवान कृपा कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा संग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। भागवतम क्या कह रही है, क्या है वो, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा नारायण परायण, क्या श्लोक है वो किसी को, कि नारायण के भक्तों का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ है इस संसार में। मगर वो कभी कभी क्या होता है, वो सुना है आपने, घर की मुर्गी लाल बराबर, ऐसा होता है। या हरिद्वार में रहने वाले गंगा जी में स्नान करते ही, सो ये बात होती है। सो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, रहसी स्थिता, एकांत स्थान में रहना, डिवोटीज के साथ रहना। कभी भी अगर आपके लाइफ में अगर आपको डिवोट के संग मिल रहा है, इसका मतलब भगवान का कुछ अरेंजमेंट है, डेफिनेटली समझ लेना चाहिए। ऐसे मान लीजिए अभी जैसे जो फैमिलीज भद्रिकाश्रम में शिफ्ट हो रही हैं, भगवान की कुछ ब्लेसिंग्स हैं नहीं, क्या कहते हो या नहीं है? देयर इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि हर एक आदमी तो शिफ्ट नहीं हो सकता, होना भी चाहे तब भी नहीं हो सकता।
लाइफ में सर्कमस्टांस ही ऐसे नहीं बनेंगे देखना। सो ये भगवान की एक स्पेशल मर्सी होती है, ये कृष्णा अरेंज करते हैं। एकाकी अथ चित्तात्मा, और डिवोटी को केवल एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, डिवोटी को अकेले भी रहना चाहिए। एकाकी, एकाकी मतलब अकेले। अब अकेले का मतलब क्या है? अकेले का मतलब ठीक है, डिवोटी के साथ रह रहे हो, एकांत स्थान तो वो हो गया, भक्तों के साथ रह रहे हो। अकेले का मतलब है कि एक डिवोटी को केवल उसके माइंड में भगवान के विचार होने चाहिए। हम किसके साथ रहते हैं? अपने विचारों के साथ ही तो रहते हैं। आप अकेले कमरे में बैठो तब भी आप हजार चीजें सोचते रहोगे। कृष्णा कह रहे हैं अकेले रहना चाहिए। अकेले मतलब माइंड में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि मैं भगवान को संतुष्ट कैसे करूं। हजारों विचार अगर माइंड में होंगे तो आप अकेले नहीं हो। आप सब कोशिश करनी चाहिए कि फालतू के विचारों एक्चुअली पता है क्या ट्रिक है? मैं बताऊं, फालतू की बातें ना सोचने की ट्रिक क्या है, कोई बता सकता है? वैसे माइंड में तो फालतू की बातें आती रहती है ना, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो उसको माइंड को ठीक करने का तरीका क्या है? माइंड तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। व्हाट टू डू? मन के साथ क्या करें? फिर निकाल भी नहीं सकते, फेंक भी नहीं सकते इसको कहीं, वो तो फिट ही है हमारे अंदर। सो व्हाट टू डू? मन को शांत करने का तरीका क्या है, कैसे करें, क्या करें? किसमें बिजी रहें? हाँ वो भी कर सकते हैं। बिजी रहने से भी मन थोड़ा बिजी रहने से मन डाइवर्ट हो जाता है, शांत नहीं होता। क्योंकि जैसे खाली होते हैं फिर उसके बाद फिर से बस चलता रहता है। शुरू में अच्छा है बिजी रहना बहुत अच्छी टेक्निक है, बट इसको अल्टीमेटली बिठाएं कैसे एक जगह? जैसे बच्चे हैं, कैसे बिठाएं बच्चों को एक जगह? तो जो वो बैठ ही नहीं रहे। मन भी ऐसी, मन तो और चंचल है। सो क्या करें? तो उसकी पता है बेस्ट टेक्निक क्या है? वैसे तो 2-3 टेक्निक्स है, बट बेस्ट टेक्निक है, एक तरीके से मन शांत हो सकता है। कृष्णा उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव अगर तुम हमेशा मृत्यु को स्मरण करते रहोगे तो मन शांत हो जाएगा। बहुत बड़ी टेक्निक है वो, मतलब कृष्ण के साथ किसको करना है स्मरण? मृत्यु को। मतलब हम करते नहीं है, नहीं हम भूल जाते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियस एक्सटेसी में मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु को भी एक्सटेसी आने दो, उसको भी याद करते रहो, आप भी आओ। सो अल्टीमेटली पहले जमाने के लोग इसलिए थोड़े ना शांत रहते थे, है नहीं? पहले जमाने के लोग होता ना, कुछ भी आता था फिर क्या कहते थे, चलो एक दिन तो सब कुछ जाना ही है, बोलते नहीं थे। मतलब मेरे नाना दादा, मैंने देखा है, ज्यादा नहीं वो डिस्टर्ब होते थे। मेरे नाना जी थे, उनकी पता नहीं बिजनेस उनके फैक्ट्री में आग लग गई थी। मेरे नाना के पापा, मतलब पर नाना, बहुत छोटा था, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई बिल्कुल, मतलब ऐसी हालत हो गई थी उनकी। मेरी मदर बताती थी कि इतने गरीब हो गए थे वो एक टाइम पे कि वो घास की रोटी बना रहे थे, खाने को ही नहीं था। और मेरी मदर कह रही थी कि बिल्कुल शांत है, कह रहे थे ठीक है, उसके हाथ में देखा जाएगा। पहले के जमाने के लोग ऐसे होते थे। एक्चुअली हमारे एक डिवोटी भी है जनार्दन प्रभु, तो उनके फादर भी थे, उनका भी बिजनेस में लॉस हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गए। तो वो बिल्कुल डिस्टर्ब, उन्होंने कहा था चलो ठीक है, जिसने दिया उसने वापस ले भी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी सब तो यहां पे छूट ही जाएगा, सब कुछ छूट ही जाएगा। सो पहले के लोग इसलिए थोड़े शांत रहते थे क्योंकि उनको मृत्यु याद। आपने भी देखा होगा, नहीं? कहते थे ठीक है एक दिन तो सब खत्म ही हो जाएगा, आराम से बैठे रहो, क्या होगा। तो एक्चुअली जनार्दन वो कहते कि उनके जो फादर थे, उनकी बेटी, वो गरीब हो गए तो उनके बेटी की शादी, अब शादी कैसे होगी, उसकी प्रॉब्लम है ना। तो ये लोग बड़े सब टेंशन में थे, उन्होंने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगी शादी नहीं भी हुई तो एक दिन तो सब चला ही जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है।
सो दे यूज टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उनको पता था कि मृत्यु है, पुनर्जन्म है, नहीं ये सारी चीजें हैं, तो टेंशन की बात ही क्या है। टेंशन तो उसको होती है जो सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, तब टेंशन होगी ना। आपका आपका बारह बिजनेस लॉस हो गया आपका, और कभी नहीं मरोगे और बिजनेस लॉस हो गया तो प्रॉब्लम है। आप पूरे आप अनंत काल तक भिकमंगे बन गए, मगर हमारे लिए अच्छा है, हम मर जाएंगे और फिर अगले जन्म में दोबारा पैदा होंगे, और फिर तो स्कोप है कि हम किसी अमीर घर में पैदा हो जाए। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। मृत्यु को स्मरण रखने से कोई टेंशन नहीं होती, यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट। यानी सो मान लीजिए अगर आपको किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, तो आपको टेंशन होगी, हो गया अरे किडनैप हो गया। वेल डिवोटी को टेंशन नहीं होगी, क्यों क्यों नहीं होगी, क्योंकि ठीक है, क्या है, है? वो ये सोचेगा कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, इसमें भगवान की ही इच्छा है। उसका मन शांत है, ये सोचेगा वेल जो भगवान चाहते हैं मेरी लाइफ में वही होगा, और वैसे भी अगर किडनैप कर भी लिया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, हम मर जाएंगे, मरोगे ना आप, या आपका वो गला काट देगा, अल्लाह अकबर अलग हो गया, चलो भैया खत्म, बस ये हो जाएगा, मर जाएंगे और क्या होगा, मर जाएंगे फिर हम अगला शरीर लेंगे, नया फ्रेश शरीर, क्या कहते हो, फ्रेश पीस। पुराना पीस चला गया, इसलिए डिवोटी को कभी कोई टेंशन नहीं, उसके लिए डेथ एक गुड न्यूज है। संसार के लोगों के लिए डेथ बहुत फियरफुल न्यूज है, तुम मर जाओगे, हो मर जाएंगे, हो भाई, ऐसे लोग मरते हैं ना तो लोग संतावना देने जाते नहीं जाते, या तुम ये मर गया चलो दुखी मत हो, ऐसे होते हैं ना सब, दुखी बैठे रहते हैं, दुखी मत हो, ठीक है क्या हो गया। डिवोटी क्या है, अगर कोई मर जाए डिवोटी क्या है, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है। एक्चुअली शीला प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो ये एक कोई प्रभुपाद डिसाइपल की मेमोरी में बता रहे थे कि प्रभुपाद वृंदावन में थे तो एक प्रभुपाद डिसाइपल बैठे हुए थे वहाँ, और एक लेडी अपनी बेटी के साथ आई, और उसकी बेटी 20 साल की कुछ थी, और उसको कैंसर हो गया, कैंसर, एंड शी वॉज अबाउट टू डाई। तो वो प्रभुपाद के पास आई आशीर्वाद लेने, प्रभुपाद से मिले उसकी मम्मी और उसकी बेटी, तो उन्होंने प्रणाम किया, और जैसे ही वो उठे उसकी बेटी रोने लगी, आंसू आ गए, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थी मरने के लिए, 20 साल की लड़की कैंसर हो गई, अब मतलब मरने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, रोने लगी। तो शीला प्रभुपाद ने उसको लड़की को बोला कि तुम लड़की को बोला कि मरना तो सबको है। प्रभुपाद ने देह न उसमें न था देह, शरीर बदल जाता है, प्रभुपाद ने फिलॉसफी बोली, प्रभुपाद ने बोला कि वो तो मूर्ख रोते हैं मृत्यु का स्मरण करके, वाइज आदमी बुद्धिमान व्यक्ति तो मृत्यु तो एक कपड़े बदलने के बराबर है। प्रभुपाद ने उसको सांत्वना दी नहीं, मतलब ऐसे केस में तो जनरली एक सेंट कहेगा चलो कुछ नहीं होता मत रो, इसके लिए जरा पानी और प्रसाद लाना और कुछ नहीं होता, जो भी कुछ करेगा व्हाटएवर इट इज, थोड़ी वो कंसोल करेगा, ठीक है कुछ नहीं होता, भगवान की कृपा है, होगी, चलो जब करो ऐसे। प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा ऐसा, प्रभुपाद ने बल्कि कहा क्यों रो रही हो, सबको मरना है, मैं भी मरूंगा, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। एक डिवोटी के लिए डेथ एक्चुअली कुछ है ही नहीं, पॉइंट ही है, क्योंकि हम कभी मरते है ही नहीं, बल्कि गुड न्यूज है, क्योंकि आप मर के आप एक अब नए सेटअप में चले जाओगे। भगवान कृष्ण खुद भी कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने कहा क्यों, भगवान अर्जुन ने क्यों कहा, क्योंकि भीष्म पितामह ये सब मर जाएंगे, तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम दुखी क्यों हो रहे हो, भीष्म पितामह का तो अभी उनका शरीर कितना बूढ़ा था उस टाइम, कितनी एज थी भीष्म पितामह की, 800 साल, 800 ईयर्स, क्योंकि भीष्म पितामह को अच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो भगवान ने कहा मर जाएंगे तो अच्छा ही, इनको नया शरीर मिलेगा, पुराना शरीर छूट जाएगा। सो दैट्स उसको कहते हैं एकाकी। अगर माइंड को स्टेबल करना है तो दो विचार अगर आपके माइंड में हो, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। पहला विचार है कि एक दिन तो सब मरना ही है, सब कुछ छूटेगा ही, तो सारी आसक्ति वहीं खत्म हो जाएंगी।
दूसरा विचार है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है किसका अरेंजमेंट है, भगवान का। बस जब भगवान अरेंज कर रहे हैं तो वह टेंशन की क्या बात है, भगवान ही ले जा रहे हैं ना जहां से क्या कर रहे हैं। दैट्स ऑल। एकाग्रता चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह, और अगर अपने माइंड को फोकस करना है भगवान पे, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो भगवान कह रहे हैं योगी क्या करता है, निराशी, किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे कि मृत्यु के बारे में सोचोगे तो सारी आसक्तियां खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और क्या है मतलब आप आसक्त क्यों होगे। आसक्त तो हम उन चीजों से होते हैं जो नित्य होती हैं, और नित्य तो कृष्ण है और उनका नाम है, आपकी आत्मा है, बाकी सब तो अनित्य है। सो निराशीर अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं अपरिग्रह पे, अपरिग्रह तो मतलब होता है कि ज्यादा चीज, हाँ, कि संग्रह भाव से मुक्त होना, ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में डिवोटी नहीं रखता। तो परिग्रह का मतलब है कलेक्ट करना, अपरिग्रह मतलब होता है कलेक्ट नहीं करना, ज्यादा अपनी लाइफ में चीजों को इकट्ठा डिवोटी नहीं करता, जो चीज है वो जरूरत है वो रखो, बाकी चीजें डिस्पोज ऑफ कर दो, बाकी चीजें दे दो, किसी के यूज ही आ जाएगी, वरना घर में रहते रहते सड़ जाएगी। ऐसी होता है नहीं, इतनी सारी चीजें पड़ी रहती हैं, खराब हो जाती हैं, ना अब यूज आती है ना किसी की यूज आती है, इतने सारे विचार होते हैं जो हमने अपने मन में रखे रहते हैं, वो सड़ते रहते हैं पड़े पड़े, है नहीं, और फिर आपको ही तंग करेंगे। जस्ट गिव, दे दो, कम से कम चीजें लाइफ में रखो, खुश रहोगे, वरना चीजों को संभालने में पूरी लाइफ निकल जाएगी। होता है नहीं होता है, ऐसी होता है वैसे चीजें संभालने, ऐसे हमारे घर में संडे को क्लीनिंग होती थी, तो वो ऐसे ही होता था, नहीं बेड कभी इधर कर रहे हैं कभी बेड उस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फिर सारे सामान निकल रहा है, सब क्लीनिंग हो रही, इतनी सारी चीजें, सब डस्टिंग करते रहो, डस्टिंग नहीं होती वो करते रहो, उसी को संभालने पूरा दिन निकल गया। इसलिए डिवोटी को अपनी लाइफ सिंप्लीफाई कर लेनी चाहिए, सिंप्लीफाई समझते हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कम से कम चीजें, तो आपको ज्यादा चीजों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल। फिर आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। इसको एक्चुअली अमेरिका में एक मूवमेंट शुरू हुआ है मिनिमलिस्ट, वो कम से कम चीजें रखते हैं, मतलब उनको भी लग रहा है कि वो लोग नॉन डिवोटीज होते हैं, बट उनको समझ आ गया कि भाई ज्यादा चीजें रखने का कोई पॉइंट नहीं है, ना यूज आती हैं, और यूज भी नहीं आती और संभालते भी फिरो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग अपने घर में ना एक वो रखते हैं, जैसे कार्डबोर्ड का डिब्बा नहीं होता, जैसे फ्रिज का जो अगर कवर है ना बड़ा होगा, तो वो उस डिब्बे के अंदर जो भी चीज इस्तेमाल नहीं आती डालते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 2 हफ्ते कुछ इस्तेमाल नहीं आई कुछ चीज, तो डाल देंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि 1 महीने बाद आपका 50% घर खाली हो गया, उस डिब्बे के अंदर चला गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज होती नहीं, पड़ी रहती हैं। तो फिर वो डिब्बे को जाके लेके दान कर देते हैं, उसको कहते हैं मिनिमलिस्ट। दैट्स हाउ दे डू एनीवे दैट व्हाटएवर दे डू, बट द होल आइडिया इज कि काफी चीजें जो हम इस्तेमाल नहीं करते हटा दो। दैट्स ऑल। अपरिग्रह, अपनी लाइफ में भगवान को रखो, दैट्स अ गुड आइडिया। किसी का ध्यान रखना है तो भगवान का ध्यान रखो, समझे, अपनी भक्ति का ध्यान रखो, वो ज्यादा अच्छा है। डिस्ट्रैक्शंस होंगी तो आप उसी में उलझ जाओगे। सो भगवान एक सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइजेस, प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे नहीं दे रहे, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइजेस हैं। तो अगर हम भगवान की बात मानेंगे, इसको अपने फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे भी माइंड कंट्रोल में आ जाए। सिंपल सी बात है, क्या करना है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, आई विल स्टॉप हियर। जाके पढ़ना आप ये वैसे पैराग्राफ, भगवान का पर्पट पढ़ना, मतलब सॉरी भगवान का प्रभु का पर्पट पढ़ना, यू विल सी। कुछ कहना है, एनीथिंग, समथिंग प्रैक्टिकल, दैट्स ऑल। क्या वो कोई क्वेश्चन ही नहीं था आप लोगों को, बड़े डल स्टूडेंट्स हो। कभी कभी ये भी तो आता है कि मृत्यु से पहले अगर कोई है तो ये भी पूरा करते हैं, मरने से पहले ये भी नहीं, ओके, इतनी भी तो आ सकती है।
मरना तो है, उससे पहले जल्दी जल्दी अपने गोल्स कवर कर लो, नहीं उल्टा भी होता है, हो सकता है, हो सकता है, मरना तो है ही, जल्दी जल्दी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि जिसको मृत्यु ध्यान रहती है उसका आधा एंथुसियाज्म तो पहले ही खत्म हो जाता है कि मरना है। एंथुसियाज्म तो तब आता है जब आपको लगेगा मुझे मरना नहीं है, तब प्लान्स बनाता है आदमी, जब मन नहीं है तो फिर ठीक है, ऐसे एंथुसियाज्म खत्म हो गया, संसार के लिए उत्साह कम हो जाता है। सो ऐसा होता नहीं है जनरली, दैट्स ऑल। क्या क्या करना है, लाइफ को चलाना ही पड़ेगा, इस तरह सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो क्या छोड़ के बैठ जाएंगे सब, मरना है, मरना है तो छोड़ के बैठ जाओ, मिनिमलिस्ट बनो, मरना है तो ज्यादा प्लान्स मत बनाओ, हम तो ये कह रहे हैं, छोड़ के क्या बैठना है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसको डबल बनाने का प्लान मत बनाओ, संतुष्ट रहो और यूज करो और आगे बढ़ो, ये प्रपोजल है, दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है, नहीं कोई उड़ना क्या ना, छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, छोड़ छाड़ के बैठ जाओगे तो कल मरना, अभी मर जाओगे और कुछ नहीं होगा, फिर हमसे मत कहना हमने तो प्रपोजल नहीं दिया। सो डबल ट्रिपल, दैट्स नॉट व्हाट द आइडिया इज, मरना है तो सिंप्लीफाई करते रहो, अगर 10 दुकान है उसको 9 कर दो, 9 को 8 कर लो, अब वो आपको प्लानिंग करनी है कैसे करना है। ऑर्डिनरी आदमी तो 10 को 11 करना चाहेगा, 11 को 12, एक डिवोटी क्या करना चाहेगा, भाई 10 की क्या करूं मैं, 9 कर दूं, फिर 8 कर लूंगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, सॉरी 3, फिर 2, फिर 1, फिर फ्री हो जाऊंगा, फिर भगवान का भजन करूंगा, दैट्स अ गुड प्लानिंग। प्लानिंग तो वो होती है, प्लानिंग कम करने की होनी चाहिए, प्लानिंग बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, लोगों की प्लानिंग बढ़ाने की होती है, नहीं कि ऐसा कर लेंगे फिर वैसा कर लेंगे फिर 2 हो जाएगा फिर वहां इन्वेस्ट कर देंगे फिर ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा, भाई तुम कम करने की कोशिश करो ना, तब तो फिर तुम्हारा कम होगा और चैंटिंग होगी, कुछ भक्ति होगी, बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो बढ़ता ही रहेगा। सो दैट्स व्हाट कृष्णा इज एडवाइजिंग। मेंटल सेटअप ही अलग है डिवोटी का, जैसे कितने सारे लोग, कितने सारे डिवोटीज अभी से प्लानिंग करते हैं, मतलब अमेरिका में था मैं, एक फैमिली मिली तो सियाटल में, तो वो कह रही थी कि भी हमने तो प्लानिंग की है, कपल है अभी भी मैरिज हुई है उनकी, जस्ट होंगे 27 ईयर्स ओल्ड, तो कह रहे थे हमने प्लानिंग की है कि जब हम 40 के हो जाएंगे तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के मायापुर चले जाएंगे, डेडलाइन है, बस 40 के बाद हम नहीं रहेंगे, अब जो भी काम कर लेंगे और जो भी है, एंड वील जस्ट लीव एंड गो, दैट्स अ गुड प्लानिंग, नहीं वो प्लानिंग अच्छी है। इनफैक्ट अभी मायापुर में गया था तो हम एक डिवोटी यहाँ रहे भी थे, नदिया प्रभु हैं, तो वो पहले अमेरिका में थे एंड ही जस्ट लेफ्ट एंड केम टू मायापुर, छोड़ के वहाँ पे घर ले, तो हमने कहा कि तुम लोग तो वो 3 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनकी एज होगी आई थिंक उनकी एज 41, उसकी वाइफ की एज 40, ये मतलब यंग कपल है, उसके बच्चे अभी छोटे ही हैं, 5 साल का, 6 साल 7 साल ऐसी कुछ है। तो उन्होंने, मैंने कहा तुम यहाँ पे कैसे आ गए, उन्होंने कहा हमने पहले ही प्लानिंग की हुई थी कि हम 40 के बाद बंद कर देंगे चाहे कुछ भी हो, हम मायापुर चले जाएंगे, और उन्होंने कर लिया। सो प्लानिंग होगी तो कर पाओगे, इसलिए तो शास्त्रों में गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम है, वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। तो भाई अब कहा जाता है ना कि गृहस्थ 50 साल के बाद घर छोड़ दो, 50 साल होता है क्या होता है, पंचाश। सो अब पॉइंट ये है कि इसका मतलब है कि जब वो गृहस्थ आश्रम में होगा 25 साल से लेकर 50 साल, तो उसको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मैं 50 ईयर्स में छोड़ दूंगा, और वो छोड़ के चले आते हैं, दैट्स ऑल, फिनिश। अपनी वाइफ के आज सपोज वृंदावन शिफ्ट हो गए, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी शिफ्ट हो गए, एंड दे इज टू जस्ट स्टॉप इट, वो प्लानिंग अच्छी है कम करने की, और वो फिर पॉसिबल भी होता है। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर नहीं पॉसिबल होगा, फिर तो आप निकल नहीं पाओगे घर से,
कैसे निकलोगे बताओ, फिर तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, फिर और जकड़ते रहते हैं जकड़ते रहते हैं। सो भगवान ये सजेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसका संन्यास, व्हाट यू से अबाउट दैट। सो पहले जमाने में लोगों के माइंड में प्लानिंग ही होती थी, यही वर्णाश्रम है कि मुझे छोड़ना है बाद में। आई यूज्ड टू हियर कि मैरिज के बाद, मान लो 25 साल कि मैं मैरिज हुई तो 25 साल रह गए, इतने कम हो गया मैरिज के बाद, तो भाई 24 साल 364 दिन रह गया, आवश्यकतियाँ कम करनी है, इतना टाइम कम रहे। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। So, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भगवान ये सजेस्ट कर रहे हैं अपरिग्रह। तो प्लान करो लाइफ में, लाइफ में चीजें कम करने की, बढ़ाने की मत करो, फंस जाओगे। मतलब अल्टीमेटली पता है क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अल्टीमेटली अगर आपको अपने आप को फ्यूचर में देखना है, तो फ्यूचर में आपको अपने आप को ऐसे देखना चाहिए कि आपके पास एक छत हो, तीन जोड़ी कपड़े हों, एक प्लेट हो, और बस और कुछ नहीं चाहिए। That's all. उस पे खाना मिल जाएगा, कपड़े पहन लोगे, छत है, that's all. अल्टीमेटली तो सभी के घर बद्री आश्रम बन गए। सिंप्लीफाई, अल्टीमेटली आप फ्यूचर में प्लानिंग होनी चाहिए, या तो आप वृंदावन में रहो या बद्री आश्रम में। ये प्लानिंग तो होनी चाहिए, वरना कैसे आओगे आप, कब शिफ्ट करोगे, कोई प्लानिंग ही नहीं। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सजेस्टिंग, अदरवाइज कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता। लोग सोचते रहेंगे, लोग तभी तो गृहस्थ आश्रम में कहते, लोग कभी तो कहते हैं अब छोड़ेंगे, या फिर कहते हैं पोती हो गई, पोती की शक्ल तो देख लें, फिर तब फिर पड़ा रहता है वो वहां, फिर पोती बड़ी हो जाती है, पोती की शादी तो करा लें। यही होता है ना, फिर ये वहां पे पड़ा हुआ है, फिर पोती की पोती हो जाए या पोता हो जाए, फिर उसका ही पोता हो जाता है, दिन चला गया, मर गया, बड़े बड़े एंड ही वेस्ट इज लाइफ, दैट्स ऑल। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं, ठीक है नहीं? ठीक है, ये सजेस्ट कर रहे हैं हम। अब लोगों को शायद ही हजम ना हो, मगर हमें कोई परवाह नहीं है, भगवान कह रहे हैं, और जो ऐसा करेगा वही खुश रहेगा, ऐसा नहीं करेगा वो खुश नहीं रहेगा। स्टेटमेंट ही मैंने बोली थी, बाहर इसी तरह से लोग बोलते हैं मृत्यु के, अगर नाम लेते हैं क्या भाई छोड़ दे क्या, मौत आनी है सबको, काम तो करते हैं। हाँ, स्टेटमेंट है। हाँ तो उनको बोलो ना फिर। तो बिना सोचे समझे काम करते हैं, जैसे चल रहा फ्लो में चल रहा, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे। दैट्स ऑल, जस्ट यू स्पीक अबाउट कृष्णा, कृष्णा है। ओके सो दैट्स इट, वी स्टॉप हियर। अगर आपके पास कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो प्लीज हमें दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज कर लेंगे भगवान की सर्विस में। अच्छा आइडिया है, कोई बुरा आइडिया नहीं है, सीरियसली। दान इसलिए गृहस्थों को दान कहने को बोलते थे, समझे? इन गृहस्थों की लाइफ में ऐसी फालतू की चीजें भरती रहती हैं, तो अगर वो दान करेंगे तो उनकी लाइफ भी सिंपल बनेगी। तो दान करने से डबल फायदा होता है, एक तो भगवान की कृपा भी आती है और आपकी आसक्तियां भी धीरे धीरे कम होती है। तो दोनों चीजें होती हैं दान करने से। क्या कह रहे हैं? दिवाली पे सफाइयां करते हैं जो सामान